खरगोन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर शुक्रवार को समूचे अंचल में शिव भक्ति की बयार बही। भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने बोलबम का जयकारा लगाया और भगवान भोले का आशीर्वाद लिया। जलाभिषेक का सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। महापर्व को लेकर मंदिरों और शिवालयों को रंग बिरंगी रोशनी सहित फूलों से सजाया गया। शहर के प्रमुख शिवालयों में शामिल मेल डेरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं ने भी पूजन दर्शन अभिषेक के बाद बिलास बत्ती जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर पुजारी संजय जोशी ने बताया, महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में जहां दिन भर पूजन अर्चन दर्शन का दौर चला, तो वहीं शिव भक्तों ने शिव बारात निकाली, जिससे समूचा शहर शिवमय हो गया। टेगोर पार्क से निकली शिव बारात, लगे जयकारे, भजनों पर झूमे भक्त। टेगोर पार्क स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से महादेव की बारात धूमधाम से निकली। बारात में अघोरी तथा आदिवासी लोक नृत्य दल आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल ताशो डीजे सहित झांकियों से सजी इस शिव बारात का शहर भर में जलपान एवं पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। महांकाल सेवा समिति अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि प्रातः 10 बजे मंदिर में बाबा भोलेनाथ की महाआरती कर बारात धूमधाम से निकाली गई। भूत प्रेत के साथ सजी भगवान शंकर की इस अनोखी बारात की डमरू के डमडम और बैंड बाजों की धुन के साथ ही अश्व सवार बालिकाओं इस यात्रा में शोभा बढ़ाई। बारात में शिव पार्वती, विशाल अर्धनारीश्वर शिवलिंग सहित भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। पिछले 10 वर्षों से शहर में हम निकाल रहे हैं और बाबा की बारात के लिए झूले के रूप में अमरावती समझे कुर्ती बिलवाई है जो तैयार करेंगे यहाँ पर, और अन्य जातियों भी अपने गोली तैयार करिए, और जो दल में हमारे व्यक्ति जब शामिल है और इंदौर और उज्जैन के तैयार कर भी यहाँ उपस्थित हुए बाबा की बारात में शामिल हुए हैं। शिवरात्रि महाउत्सव का पर्व है। यह मंदिर सन 1307 ईस्वी में निर्मित हुआ था। करीब 750 वर्ष इस मंदिर को हो गए हैं। तीन नदियों के संगम पर स्थित होने से इस मंदिर का नाम मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है, और यहाँ पर सामने तीन नदियों के शमशान घाट का होने से इस मंदिर का महत्व बहुत अधिक होता है। आज किस तरह का आयोजन होगा? यहाँ पर बिलास बत्ती लगती है, खिचड़ी प्रसादी का वितरण होता है। श्रद्धालु करीब सुबह 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार आते रहते हैं। श्रद्धालुगण, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए सभी प्रकार के श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।